गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, इट्स योर हिंदी क्लास एंड टुडेज डेट इज 28th ऑफ नवंबर 2020। सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो घर पे और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हो, है ना? ओके, तो आप सब बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छे से आप लोग घर पे अपना होमवर्क और क्लासेस अटेंड कीजिएगा। ओके, तो चलो हम आज का क्लास, हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगले दिन हमने ये सीखा था श, श से होता है क्षत्रिय, है ना? ओके, तो आई होप कि आपको याद हो गया है कि श से होता है क्षत्रिय। ओके, तो आज हम ठीक श के बाद जो अक्षर आता है वो सीखेंगे। पेज नंबर 45 पे देखो, आप लोगों को पता है ये कौन सा अक्षर है? ये है त्र, ठीक है? तो श के बाद आता है त्र, इस श के बाद आता है त्र। तो त्र से बना एक शब्द जो होता है आपके टेक्स्ट बुक में है वो है त्रिशूल। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो अब हम देखते हैं कि ये त्र कैसे लिखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम मात्रा देंगे, उसके बाद ये हो गया त्र, ठीक है? आपको ठीक ऐसे ही लिखना है त्र त्र, ठीक है? ऐसे ही आपको त्र लिखना है। ओके, तो हमें तो त्र लिखना आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि ये जो अक्षर है इसका नाम है त्र, ठीक है? और त्र से बना एक शब्द भी हमने सीखा, वो है त्रिशूल। आप लोगों को पता है त्रिशूल कैसा होता है? ये है एक त्रिशूल, है ना? ये किसके पास होता है बताओ? ये भोले बाबा के पास होता है, है ना? तो ये है त्रिशूल। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्र से बना एक शब्द हमें बताइए, तो आपको बोलना है त्रिशूल। आप अगर चाहे तो त्र से बने कुछ और शब्द भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में त्रिशूल है तो ये याद रखना आपके लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इसका पिक्चर भी दिया हुआ है, ये त्रिशूल का, है ना? ओके, तो बताइए आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि ये जो अक्षर है इसको बोलते हैं त्र, और त्र से बना एक शब्द होता है त्रिशूल, और हमने त्र लिखना भी सीखा, है ना? ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, घर पे आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिएगा और ये लिखना प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका आज का क्लास वर्क था। थैंक यू।